नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर, रिया सुधा आपके साथ है। थोड़े दिन पहले वैशाली से ये खबर आई थी कि वैशाली में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके बाद पुलिस को एक्शन में आना पड़ा और अब लगातार इसको लेकर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। शराब माफियाओं के पकड़ने की हर संभव प्रयास की जा रही है। अब जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो वैशाली के लालगंज से है। दरअसल कहते हैं कि पुलिस जब अपने पर आ जाती है तो मुर्दे के मुंह से भी सच्चाई उगलवा सकती है, और ऐसा ही कुछ दृश्य वैशाली से सामने आया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जो कहावत है उसको जस्टिफाई किया है पुलिस के द्वारा की गई इस कार्रवाई ने। आपको बताएं कि लालगंज की यह तस्वीर सामने आई है, जहां पर जब उन्हें खबर मिली कि वैशाली और छपरा के नदी के बीच में कई शराब भट्टियां चलाई जा रही है अवैध तरीके से, और शराब माफियाओं के द्वारा वहां से शराब की तस्करी हो रही है, यह खबर मिलने के बाद पुलिस एक्शन में आई और वर्दी उतार कर नदी को पार करते हुए वहाँ पर पहुँचती है, और लगभग 20 से भी ज़्यादा अवैध शराब भट्टियों को तहस नहस कर दिया जाता है पुलिस वालों के द्वारा, और ये बड़ी कार्रवाई की जाती है। शराब बनाने के लिए तमाम जो सामान इस्तेमाल किए जाने थे उन सभी चीज़ों को ध्वस्त कर दिया जाता है, और नदी में तैर कर इन कामों को अंजाम दिया जाता है। तो लाइव तस्वीरें जो वहाँ से कैद की गई, लाइव रेड का वीडियो है हम आपको दिखा रहे हैं, ये वैशाली का है, जहाँ पर वर्दी उतार कर पुलिस वालों ने ये कार्रवाई किया है। और ये सराहनीय है कि अगर आपको ऐसी घटना के बारे में मालूम पड़ता है, तमाम मुश्किलें हैं, टापू के बीच में ये शराब भट्टियाँ बनाई गई थी, वहाँ पहुंचकर पुलिस वालों के द्वारा यह एक्शन किया गया। लेकिन वही हम दूसरी ओर उस चीज़ की भी बात करते हैं जो तमाम आए दिन होते रहता है कि किस तरीके से शराब तस्करी बढ़ गई है। बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद बिहार में हर घर में शराब आपको मिल जाएगा, यानी कि शराब की होम डिलीवरी हो जाती है। ये तमाम सवाल तो पुलिस वालों पर उठते ही रहते हैं। हालाँकि सिर्फ निगेटिव साइड हम नहीं दिखाना चाहते, जो पॉजिटिव साइड है कि हाँ, पुलिस वालों के द्वारा भी कुछ सराहनीय कार्य किए गए हैं। लाइव रेड का ये वीडियो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वैशाली के लालगंज की वीडियो है। तो आपने देखा किस प्रकार से लाइव रेड हुई है, पुलिस वाले वर्दी उतार कर नदी में उतरते हैं और तमाम शराब भट्टियों को तहस नहस कर डालते हैं। इस खबर में इतना ही, आगे और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।